हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। आज मैं फ्रेंड्स आप सभी के साथ किसी केक की रेसिपी नहीं बल्कि कंपाउंड चॉकलेट यानी कि व्हाइट कंपाउंड और डार्क कंपाउंड को परफेक्ट तरीके से कैसे मेल्ट किया जाता है वो भी बिना माइक्रोवेव के वो मेथड शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें चॉकलेट को मेल्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। या तो उनसे चॉकलेट ठीक से मेल्ट नहीं होती, और अगर हो भी गई तो कर्डल हो जाती है या फिर बटर छोड़ देती है या फिर लंप की फॉर्म में बन जाती है यानी कि गांठ बन जाती है, और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो मेल्ट नहीं होती है। ऐसी ही इनसे जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से चॉकलेट को मेल्ट करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, वो भी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो कि आपको चॉकलेट मेल्टिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चॉकलेट को आपको यूज़ करना है चॉकलेट से काम लेने के लिए, और ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी चॉकलेट मेल्टिंग के बाद, काम करने के बाद अगर आपकी चॉकलेट बच जाती है तब आप उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे काम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे हाथ में दो पैकेट्स हैं। एक है डार्क कंपाउंड जिस पर CO लिखा हुआ है, ऐसे ही है व्हाइट कंपाउंड, उस पर भी CO लिखा हुआ है। CO का मतलब होता है फ्रेंड्स ये कंपाउंड चॉकलेट है, यानी कि ये रियल चॉकलेट नहीं है, और इनसे हम अपनी केक डेकोरेशन में काम में ले सकते हैं। जिन चॉकलेट्स के ऊपर CH लिखा होता है यानी कि वो रियल चॉकलेट है, आप उससे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मेल्ट करने में दिक्कत आती है। अगर आप कीमत देखें तो आधा किलो का ये डार्क कंपाउंड का मुझे 100 रुपीज़ में मिला, वही व्हाइट कंपाउंड का मुझे ये 150 रुपीज़ में मिला। तो इस तरीके से आप ये चॉकलेट्स ले सकते हैं जिन पर CO लिखा हो। अंदर से अगर आप देखें तो इस तरीके की इसके अंदर स्लैब्स आती हैं, आधा किलो के पैकेट में ये 4 स्लैब आती हैं, और इसी तरीके से व्हाइट कंपाउंड में भी आती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप चॉकलेट लेने जाएँ मार्केट से आपको हमेशा फ्रेश डेट की ही चॉकलेट लेनी है, यानी कि ज़्यादा पुरानी या एक्सपायर डेट की चॉकलेट नहीं लेनी है, क्योंकि उसको मेल्ट करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। दूसरी ज़रूरी बात फ्रेंड्स, जब भी आप ये चॉकलेट्स मार्केट से लाएँ तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करें। फ्रिज में भी आप स्टोर कर सकते हैं अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें। तो ये कुछ चॉकलेट से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे मेल्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड का एक स्लैब ले लिया है। सबसे पहला फ्रेंड्स स्टेप होता है इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना। तो आप चाहें तो चाकू से इस तरीके से कट कर लें, या फिर ग्रेटर की मदद से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। हमें बस इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। पीसेस करने के बाद आप जो भी बाउल लें इसको मेल्ट करने के लिए, वो एकदम ड्राई होना चाहिए, यानी कि उसमें मॉइस्चर या पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप उसे साफ कपड़े से पोंछ लें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने चॉकलेट को यहाँ कट किया है, लेकिन कुछ बड़े पीसेस इसमें रह गए हैं, तो मैं इन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, और ऐसे ही हम व्हाइट चॉकलेट के पीसेस को भी कट कर लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में छोटे छोटे पीसेस ना कट करके बड़े बड़े चंक्स कट कर लेते हैं और फिर चॉकलेट को मेल्ट करने लगते हैं। तो क्या होता है, बड़े चंक्स जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं मेल्ट होने में, और जो थोड़ी बहुत चॉकलेट मेल्ट हुई हुई भी होती है वो पकना शुरू हो जाती है और बटर छोड़ देती है। तो आपको ध्यान रखना है आपके चॉकलेट के पीसेस हमेशा छोटे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो देखिए हमने डार्क कंपाउंड और व्हाइट कंपाउंड के चॉकलेट के पीसेस कट कर लिए। चलिए अब इसे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के लिए आज हम डबल बॉयलर प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो मैंने एक भगोने में लगभग 1 गिलास पानी उबाल लिया है, बॉयल कर लिया है, और अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, गैस को आपको बिल्कुल बंद कर देना है, और उसके ऊपर मैं इस तरीके से एक छन्नी रख रही हूँ, और उसके ऊपर मैं अपने चॉकलेट का बाउल रखूँगी। यहाँ मैं छलनी इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा बाउल है वो पानी से टच हो जाएगा, तो हमें अपने चॉकलेट वाले बाउल को पानी से टच बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो आपको बर्तन इस तरीके से सेट करना है कि आपका चॉकलेट वाला बाउल पानी से टच बिल्कुल भी ना हो। अगर ये टच हो गया, पानी इसके कॉन्टेक्ट में आ गया गर्म, तो चॉकलेट जो है कर्डल हो जाएगी, या फिर तेज गर्माहट की वजह से वो बटर छोड़ देगी, पक जाएगी। तो हमें चॉकलेट को पकाना नहीं है, हमें तो उसे मेल्ट करना है, जो कि वो स्टीम में ही होगी। तो बस गर्म पानी की भाप में ही आप इसे स्पून से बस ऊपर नीचे कर दीजिएगा, 10-12 सेकेंड छोड़ दीजिएगा। थोड़ी ही देर में ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। फिर से आप स्पून से इसे ऊपर नीचे कर दीजिएगा, और ऐसा करते करते आप 4 से 5 मिनट में आराम से चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर एक जरूरी बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, गर्मियों में तो बिल्कुल भी पानी को दोबारा गर्म करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर अगर सर्दियों में पानी ठंडा हो भी जाता है तो आप पानी को गर्म कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको चॉकलेट वाले बाउल को उसके ऊपर से हटाना होगा। तो आपको कंटिन्यूअस पानी के बॉयल होते टाइम चॉकलेट के बाउल को ऊपर नहीं रखना है, आपको बॉयल करने के बाद गैस को हमेशा ऑफ करना है। देखिए 4 से 5 मिनट में हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है। इस तरीके से आप 4 से 5 मिनट में आराम से अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें छोटे छोटे चंक्स बाकी भी हैं तो आप बस ऐसे ही इसे छोड़ दीजिएगा 10-12 सेकंड के लिए, ये आपस में अपनी ही गर्माहट से अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं पानी मेरा अभी भी ऑफ है, मैंने गैस बिल्कुल ऑन नहीं की, स्टीम में ही हमारी चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट हो गई। तो इस तरीके से आप आराम से अपनी चॉकलेट को परफेक्ट तरीके से मेल्ट कर सकते हैं, और मेल्ट करने के बाद इसे गनाश बनाइए, ड्रिप्स बनाइए, इसके अंदर क्रीम डाल करके चाहे तो चॉकलेट गार्निशिंग बनाइए। चलिए फ्रेंड्स इसे साइड में रख देते हैं। पानी हमारा ठंडा हो गया है तो हम इसे फिर से बॉईल करेंगे, क्योंकि अब हम इसके ऊपर अपनी व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करेंगे। तो देखिए पानी बॉईल हो गया है, मैंने गैस फिर से बंद कर दिया है, ऊपर से मैं इसकी फिर से छन्नी रखूंगी और अब हम अपना व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि डार्क कंपाउंड तो 4 से 5 मिनट में फिर भी मेल्ट हो जाती है, पर व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इसको मेल्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने देखिए पानी गर्म में ही स्टीम के ऊपर इस बाउल को रखा है और स्पून की मदद से मैं इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हल्की हल्की चॉकलेट मेल्ट हुई है, बस आपको पहले की तरह ही ऊपर नीचे इसे हिलाते रहना है 10-12 सेकंड में। अभी इसे छोड़ देती हूँ, 10-12 सेकंड के बाद फ्रेंड्स इसे हम फिर से हिलाएंगे ताकि जो ऊपर की चॉकलेट है वो नीचे चली जाए और नीचे की ऊपर, और इससे हमारी चॉकलेट आराम से मेल्ट हो जाए। तो बस आपको स्पून से इसे ऐसे मिक्स करते रहना है। एक जरूरी बात फ्रेंड्स और है, आपको स्पून से इसे तेज तेज मिक्स नहीं करना है, उससे चॉकलेट जो है कर्डल हो जाती है, बटर भी छोड़ देती है। तो आपको कट एंड फोल्ड करते ही हमेशा चॉकलेट को मेल्ट करना है। देख सकते हैं आप लगभग 2-3 मिनट मुझे हो गए हैं, लेकिन अभी चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है, इसमें चंक्स अभी बाकी हैं। तो बस मैं उसे वैसे ही ऊपर नीचे करती जा रही हूँ, बीच बीच में मैं स्पून से इसे हिला देती हूँ। पानी हमारा गर्म है, मैंने गैस अभी बिल्कुल भी ऑन नहीं किया है, और इसे ऐसे ही हम 1 मिनट और छोड़ देते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें चंक्स अभी भी बाकी हैं, चॉकलेट अब मेल्ट नहीं हो रही है, इसकी स्टेज अब रुक गई है। तो हमें लगता है हमारा जो नीचे वाला पानी है वो हल्का सा ठंडा पड़ गया है, तो हम इसे फिर से बॉयल करेंगे। बॉयल करते टाइम हमें चॉकलेट को उसके ऊपर से हटा लेना है, क्योंकि हम चॉकलेट के बाउल को रख करके अगर पानी बॉईल करेंगे तो हमारी जो चॉकलेट है वो पक जाएगी, उसमें से बटर निकल आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो पानी बॉईल होने के बाद हम इस चॉकलेट को फिर से इसके ऊपर रखेंगे, स्पून से थोड़ा कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे और इसे 10-12 सेकंड के लिए फिर से छोड़ देंगे। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है। ये देखिए जो छोटे छोटे चंक्स भी बाकी थे वो भी अब डिजॉल्व हो गए हैं, मेल्ट हो गए हैं। तो बस इसे स्टेज पर हम इसे पानी से हटा लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। अगर कुछ एक दो दाने रह भी गए होंगे तो वो अपनी ही गर्माहट में मेल्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से देखिए हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को 4 से 5 मिनट में मेल्ट कर लिया, वो भी स्टीम की मदद से ही। और ऐसे ही हमने व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन उसको भी हमने अच्छे से परफेक्ट तरीके से वो भी बिना माइक्रोवेव के मेल्ट कर लिया। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स अब आप भी परफेक्ट तरीके से अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर पाएंगे। और इस तरीके की मेल्टेड चॉकलेट को लेकर के आप चॉकलेट गार्निशिंग बनाइए, चॉकलेट डेकोरेशन कीजिए, गनाश बनाइए, ड्रिप्स बनाइए, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चॉकलेट मेल्ट करने के बाद अगर आपने उससे काम भी कर लिया है, वो आपकी बच गई है, तब आप उसका क्या करें। आप देख सकते हैं बाउल में थोड़ी सी चॉकलेट है, मैंने इस्तेमाल कर लिया था, मेरी थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट बच गई थी, मैंने उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, तो इस तरीके से जम गई है। अब अगर मैं इसे दोबारा मेल्ट करने के लिए रखूंगी तो ये मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे मेल्ट करके। यहाँ पर मैंने देखिए पानी पहले की तरह ही बॉईल किया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, ऊपर इसके छन्नी रख दी है और अब मैं इस बाउल को इसके ऊपर रख रही हूँ और बीच बीच में मैं जैसे पहले कर रही थी वैसे ही करूँगी, इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ। 10-12 सेकेंड के लिए मैं इसे छोड़ भी देती हूँ। तो देखिए 10-12 सेकेंड छोड़ने के बावजूद भी हमारी चॉकलेट बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है, हम पानी दोबारा भी बॉईल करेंगे तब भी ये मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जब भी आपकी मेल्टेड चॉकलेट बच जाए तब आप उसको दोबारा मेल्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे वो खराबी होगी। आप क्या करें फ्रेंड्स, इसके अंदर या तो व्हिपिंग क्रीम डाल दें या फिर दूध डाल दें, नहीं तो आप पानी भी डाल सकते हैं और इसका गनाश बना करके आप इसे केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का स्पेशल वीडियो चॉकलेट मेल्टिंग से रिलेटेड।
आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।